Hey guys, welcome back to my YouTube channel DTH Drill Skills. If you are new on this channel, let me tell you, my name is Sabha and today I am back with a new and interesting video. So guys, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 अमेजिंग शॉर्ट कैप्शन आइडियाज। जी हाँ दोस्तों, ये शॉर्ट कैप्शन भी है और ऐसे कैप्शन है जो आपको इंस्पायर करेंगे। So guys, बिना कुछ देर कर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं शॉर्ट कैप्शन आइडियाज के बारे में। कैप्शन नंबर 1, हैप्पी डेज आर हेयर अगेन। गाइज, इस कैप्शन का मतलब ये होता है कि जो अच्छे दिन हैं, खुशियों वाले दिन हैं, वो फिर से वापस आ गए हैं। अगर आप कुछ ऐसा पोस्ट करते हो जिसमें आप बहुत खुश हो, उस टाइम पे आप इस कैप्शन को यूज कर सकते हो। कैप्शन नंबर 2, ए बेटर वर्जन ऑफ मी। गाइज, इस कैप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट करके अपने आप में आप कुछ पोस्ट कर रहे हो तो आप उस टाइम लिख सकते हो कि एक बेटर वर्जन है ये मेरा। तो होप सो गाइज आपको ये कैप्शन समझ आ गया होगा। कैप्शन नंबर 3, आई जस्ट लेवल अप। गाइज, इस कैप्शन का मतलब ये होता है कि मैंने अपना लेवल बस थोड़ा सा अप कर लिया है। तो अगर आपने किया हो तो आप उस टाइप के पिक्चर्स एंड वीडियोस के साथ, इवन इनफैक्ट स्टोरीज, व्हाट्सएप स्टेटस के साथ आप इस कैप्शन को यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, लाइफ वोंट गेट इजियर, यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग। गाइस, इस कैप्शन का मतलब ये होता है कि आप सोचोगे कि आपकी लाइफ बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, तो कभी ये मत सोचो कि आपकी लाइफ इजी होने वाली है, बल्कि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि जो लाइफ आपको हार्ड लग रही है वो आपको इजी लगने लगे। तो समझ रहे हो गाइस मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि लाइफ कभी इजी नहीं होगी, बल्कि आपको लाइफ के जो इश्यूज हैं उनसे स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ इजी हो गई है। कैप्शन नंबर 5, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। गाइज, इस कैप्शन का मतलब ये होता है कि आप खुद के सबसे बेस्ट वर्जन बनके निकलो। गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज के 5 कैप्शन आइडियाज पसंद आए होंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, दोस्तों तक जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मैं फिर मिलूंगी ऐसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने फैमिली का ध्यान रखें।